और इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो बलवा और दंगा में पहला अंतर है कि बलवा भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में परिभाषित किया गया है और 147 में दंडित किया गया है, जबकि दंगा भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है और 160 में दंडित किया गया है। और दूसरा अंतर हो गया कि बलवा जो है वो सार्वजनिक या निजी, पब्लिक या प्राइवेट, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। दंगा के लिए स्पेशल बता दिया गया है कि दंगा केवल पब्लिक जगह पर हो सकता है, प्राइवेट जगह पर नहीं हो सकता। इसके बाद बलवा के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जबकि दंगा के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो बलवा के लिए 5 व्यक्ति और दंगा के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए। तीसरा अंतर है, बलवा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जो भी उसमें शामिल होता है दंडित किया जाता है, चाहे उसने अपराध किया हो या ना किया हो, जबकि दंगा में ऐसा नहीं है। दंगा में वही व्यक्ति दंडित किए जाते हैं जिन्होंने दंगा किया है, जो उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए हैं वहाँ पर खड़े हैं तो उनको दंडित नहीं किया जाता है। इसके बाद चौथा प्रमुख अंतर है बलवा और दंगा में, दंड के संबंध में अंतर है कि बलवा के लिए 2 वर्ष का कारावास जो सादा या कठोर हो सकता है और जुर्माना या दोनों, जबकि दंगा के लिए 1 माह का कारावास या 100 रुपये का जुर्माना।